आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। अलीगढ़ में मानवता को शर्मसार और दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाला मामला सामने आया है। थाना खैर इलाके के कस्बे में नामजद पड़ोसन ने अपनी नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के शक में चार नाबालिग बच्चों को कमरे में बंद कर उनके साथ जो किया उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नामजद महिला ने चारों बच्चों को कमरे में घंटों तक बंद रखा और नंगा कर बच्चों को बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, नामजद महिला मुन्नी का पिटाई से मन नहीं भरा तो बच्चों के प्राइवेट पार्ट पर लाल मिर्च लगाकर उन्हें थर्ड डिग्री से भी ज्यादा यातनाएं दी। बच्चों के शोर मचाने और चीख पुकार सुनकर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी तरह स्थानीय लोगों ने जल्लाद महिला के चंगुल से बच्चों को बाहर निकाला। बच्चे किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंचे और परिजनों को सारी आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने तत्काल स्थानीय थाने पहुंचकर थर्ड डिग्री देने वाली जल्लाद महिला के खिलाफ तहरीर दी। घटना का संज्ञान लेकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। पुलिस ने बच्चों का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराने के बाद आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीगढ़ से आस मोहम्मद की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, क्या बात हुई थी तुम्हारे साथ? खेलते पकड़ ले गए। कौन पकड़ के ले गया? बुढ़िया। क्या नाम है बुढ़िया का? गुल्लो। फिर क्या किया आपने पकड़ के? मुन्नी 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 नाम है। मुन्नी। क्या क्या किया फिर उन्होंने तुम्हारे साथ? बंद करके डंडी में मिर्ची लगाई। मिर्चा कहाँ लगाई? अच्छा, क्या बात हुई तुम्हारे साथ? हम खेल लेते खेलते खेलते वो बुढ़िया पकड़ के ले गई और हमें कमरे में बंद कर हुआ सब ऊंचा के मिर्ची लगा दी और मारे। क्या नाम है? राज। क्या बात हुई राज, ये बताइए। हमें हम खेल लेते हैं ना तो फिर उन्होंने अम्मा ने पकड़ लिया तो फिर हमें पकड़ के मारा था। फिर उन्होंने हार दी थी तीन चार बार वो लगा दी थी मिर्ची आना। फिर फिर मारा था डंडी से, सूखी डंडी से मारा था आना। फिर 8 बजे तो बंद कर देखा, पानी पानी कुछ नहीं दे रहे हैं आना। टट्टी बट्टी आ रही तो फिर सब नहीं करने दे रहे हैं बाहर। फिर जब आए थे जब खड़े। क्या नाम है आपका? नरेश। अच्छा, ये बताइए नारी, आपके साथ में क्या घटना हुई थी? अब हम दोस्त के घर गए, मम्मी कह रही चल घर चल, पापा बुला रहे तो उन लोग कहते चलो चलो तो उन्हें पकड़ घर पर पकड़ के लोग ले गए। उसके बाद में बंद करके हम चारों बहुत बुरे मारो और नागपुर ले गए। क्या क्या बात थी, किस बात को लेकर आपको इतना टॉर्चर किया? पता कई बार पकड़ के ले गई हमें। क्या नाम है आपका? क्या बात हुई थी बच्चों के साथ? मैं तो काम करके आई थी, ऐसे आई थी 1 बजे करीब, तो वहाँ पे आके देखा तो बच्चे बंद थे। क्या हुआ बच्चों के साथ? बच्चों के संग यही हुआ, मारा कूटी हुई है बच्चों की। फिर क्या हुआ? फिर मेरे को पता नहीं अंकल, मैं तो कमले। अच्छा, ये बताइए आपके बच्चों के साथ में क्या बात हो गई? मेरे बच्चों के संग में मुझे तो सर मुझे तो कुछ पता भी नहीं, इन्होंने पता नहीं कब पकड़ लिए मेरे बच्चों को और बुरी तरीके से इन्होंने मारा मेरे बच्चों को। मारने के बाद में इन्होंने क्या कहते खबर मिली मुझे तो मैं गई वहाँ पर। अच्छा, आप इस समय कहाँ पर हैं? इस समय तो क्या कहते मैं घर ही पे थी। इस समय कहाँ? क्या नाम है आपका? तुम्हारे बच्चे का क्या नाम है? नरेश। अच्छा, क्या बात हुई थी आपके बच्चे के साथ में, ये बताइए जी। खेलते खेलते बालक का पकड़ के ले गए जिन डोगरी आई। कौन पकड़ के ले? क्या नाम है उनका? मुन्नी। फिर क्या किया पकड़ के? कब्रा में बंद कर ले। अभी हमारे पास चार बच्चे पुलिस लेके आई थी, ये गांव पतवारी पड़ता है खैर में, थाना खैर में, वहाँ की पुलिस लेके आई थी इनका डॉक्टरी परीक्षण करवाना। तो हमने इन चारों बच्चों का डॉक्टरी परीक्षण किया और इनको प्राथमिक उपचार दिया है। बताया जा रहा था इनके माँ बाप का आरोप था कि इनके प्राइवेट पार्ट्स में मिर्चें डाली गई, इस तरह का आरोप हमें भी बताया तो उसका हमने परीक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट इन्हें दे दी है। तो क्या मिर्चें डाली गई हैं? अब हमारे परीक्षण में ये हम नहीं कह सकते कि मिर्चें लगाई गई कि नहीं लगाई, हम इंजरी का उसमें वो करते हैं। तो इस तरह की तो इंजरीज हैं? इंजरी कुछ हैं बच्चों पे, प्राइवेट पार्ट पे तो नहीं लेकिन बाकी शरीर के हिस्सों पे इंजरी थी, उसकी रिपोर्ट हमने दे दी है।